रहे जो झालर होती है जो आप दीपावली पे अपनी छतों पर अपने घर पर सजाने के लिए रोशनी करने के लिए लगाते हैं उस झालर को हम ठीक करना सिखाने वाले हैं आपको। और फ्रेंड्स आपको वीडियो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक बिल्कुल पूरी देखनी होगी। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी एक भी स्टेप मिस कर दिया फ्रेंड्स आपने तो वीडियो बिल्कुल आपको झालर ठीक करना नहीं आएगा। और फ्रेंड्स जो हमारी झालर है उनकी जो रोशनी है उनकी लाइट है वेरी थोड़ी तेज होने वाली है हमारी स्पीड से। और फ्रेंड जो झालरों का वायर होता है आपने देखा होगा हमारी झालरों में तीन तीन वायर होते हैं उस तीन वायरों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। उनमें से आपको दो वायर बंद भी करेंगे जिस जो आपके ये वायर काम आ जाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और फ्रेंड ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है इससे आपकी रोशनी भी बढ़ जाएगी आपके पैसे भी बच जाएंगे। हालांकि आपको सिर्फ 5-10 रुपए का खर्चा करना होगा। तो फ्रेंड चलिए अपनी टॉपिक पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स इस लीड को इसको सही करने के लिए आप देख सकते हैं हमें इसके टू पॉइंट्स को इसको ये जो सीरीज़ है इसको निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आप देख सकते हैं हम इसको निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे हम इसको निकाल रहे हैं फ़ोटो में वीडियो में आप देख सकते हैं आपको वैसे ही इसको निकालना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमें इसको निकालना है। तो फ्रेंड्स इसके दो जो वायर हैं उसको आगे के जो दो वायर उनको निकाल लेना है और जो एलईडी से जो ये जो लाइट्स हैं उनसे जो वायर दो जॉइंट हो रहे हैं उसको आपको अपने पास रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देखते जाइए मैं इसको निकाल रहा हूँ। फ्रेंड्स आप देखिए फ्रेंड्स ऐसे हमने सब एलईडी ये जुड़ी होंगी ऐसे आपको इनको वायर को निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये वायर हमको ऐसे करके निकाल लेने हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने ये वायर निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने ये सारे वायर इसके निकाल चुके हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने इसके सारे वायर निकाल लिए हैं और फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा दिख रहा है सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स हम ऑल और भी कलर की जो एलईडी हैं और भी कलर की जो ये झालर हैं वह भी लगाएंगे इसमें जो इससे रंग बिरंगी भी होती है अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स इसको पहले आपको 5-5 की पेयर में काट लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको अभी तोड़ लिया 5-5 जो लाइट्स हैं झालर हैं एक में होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो आपको मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये आप 5 हैं इसमें ये 5 झालर हैं। तो 5-5 की पेयर में फ्रेंड्स आपको इसको काट लेना है। तो फ्रेंड्स हमने इस और भी झालरों को काटेंगे फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने ब्लू कलर की झालर भी काटी हैं रेड की भी काटी हैं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो अब ये हमारा ये एक चार्जर ले लेना है फ्रेंड्स आपको और इसके जो एंड पॉइंट हैं चार्जर के जोड़ देने हैं फ्रेंड्स। इन झालरों में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता आप कोई सा भी वायर किसी से भी जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको चार्जर को पहले तो उसके आगे की लीड काट लेनी है और फिर उसको जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स उसको जोड़ने के बाद आपको इसको लगाना है प्लग में। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसको प्लग में लगा देता हूँ। प्लग में लगाने के बाद फ्रेंड्स अब मैं स्विच को ऑन करूँगा। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं पहले दिखा देता हूँ और फ्रेंड्स अब मैं इसके प्लग को ऑन करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी थोड़ी ब्राइट हो रही हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये थोड़ी भी ब्राइट हो तो समझ लीजिए ये सही है फ्रेंड्स। इससे ये होगा क्योंकि ये जो एलईडी हैं 5 वोल्ट पर वर्क करती हैं और फ्रेंड्स इनको 5 एलईडियों को हम लगा रहे हैं तो 5 वोल्ट में ये 1-1 वोल्ट इनको मिल रहा है क्योंकि ये सीरीज़ में लग रही हैं पैरेलल में नहीं लग रही। तो फ्रेंड्स इसको हम देख सकते हैं आप ये थोड़ी थोड़ी भी ब्राइट हो रही हैं तो ये एलईडी सही हैं ये जो झालर हैं ये हमारी सही हैं। तो फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स मैं इसको बार बार एलईडी कह रहा हूँ क्योंकि हमने एलईडी पर ही वर्क करा है ऐसी लाइट पर हम पहली वीडियो है हमारी ये झालर ठीक करने की। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करके आपको आपकी सारी जो झालर हैं वह चेक कर लेनी है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपकी आंखों के सामने इन झालरों को चेक कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इनको चेक करता जा रहा हूँ ये जो हमारी। अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो अगर एलईडी ब्राइट नहीं होती है वो उसमें क्या करना है। तो मैं फ्रेंड्स अभी स्विच को ऑन कर दिया ये एलईडी ब्राइट नहीं हो रही है ये जो 5 की ये जो पेयर है ये ब्राइट नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अब इनको क्या करना है फ्रेंड्स। इसको अकेले को काटना है फ्रेंड्स। अब इनको ऐसे जैसे मैं काट रहा हूँ फ्रेंड्स ये हाथ से ही कट जाते हैं फ्रेंड्स इनके वायर बहुत हल्के होते हैं। तो फ्रेंड्स इनको अकेले अकेले की पेयर में काट लेना है।
अकेले अकेले की पेयर में फ्रेंड्स मैं इसको जोड़ूंगा। एक एक ही एलईडी होगी फ्रेंड्स, जिसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं इसको अभी जोड़ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसको मैं वीडियो काफ़ी फास्ट बनाता हूँ, फ्रेंड्स आपको थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो मैं सिंपली स्विच ऑन करूँगा, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं 5 वोल्ट पर ये एलईडी कितना अच्छा वर्क करती है। जब जब एक एक वोल्ट पर चलते हैं तो थोड़ा कम ब्राइट करती है। तो फ्रेंड्स मतलब ये जो 5 एलईडी हैं फ्रेंड्स, उनमें से एक एलईडी फ्यूज़ है, इसलिए ये सारी एलईडी वो 5 नहीं जल रही थी। तो फ्रेंड्स मैं अभी 5 एलईडियों को ऐसे ही चेक करूँगा। तो फ्रेंड मैं अभी इनको चेक कर रहा हूँ, तो इनको पहले वायर को सेट कर देता हूँ। और उस वायर को सेट करने के बाद फ्रेंड्स अब मैं इस स्विच को ऑन करूँगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं देख लेता हूँ, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एलईडी भी सही है। अभी फ्रेंड्स अब मैं जो दूसरी एलईडी है उसको लगाऊँगा, दूसरी जो झालर है उसका उसको लगाऊँगा। तो फ्रेंड्स आपकी थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ी मेहनत लगने के बाद आपका ये जो सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको आप 5 वोल्ट से भी चला सकते हो, 5 वोल्ट आप या 9 वोल्ट की बैटरी से भी इसको चेक करके आप फ्रेंड्स देख सकते हो। फ्रेंड्स फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है इसलिए हमारे घर में अवेलेबल नहीं है वो चीज़, इसलिए मैं चार्जर से चला रहा हूँ क्योंकि चार्जर 5 वोल्ट देता है। तो फ्रेंड मैं चेक करता हूँ, तो फ्रेंड्स इसके स्विच को मैं सिंपली अब ऑन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो एलईडी है ये ब्राइट नहीं हो रही है। तो फ्रेंड मतलब इन सारी एलईडियों में से ये आंसू फ्रेंड्स ये ब्राइट हो रही है, सॉरी मेरा तार सही से नहीं लगा था, मेरा वायर सही से नहीं लगा था, ये ब्राइट हो रही है। तो फ्रेंड्स अब मैं दूसरी एलईडी को लगाता हूँ। ये फ्रेंड्स आप देख लीजिए ये ब्राइट हो रही है, मैं दूसरी एलईडी को लगाता हूँ अब। तो फ्रेंड्स इनमें से ये जो सारी एलईडी हैं वो शायद वो ब्राइट हो रही हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं दूसरियों को लगाता हूँ। फ्रेंड्स एक भी एलईडी अगर आपकी जले नहीं 5-5 की पेयर में, तो उनको आपको तोड़ के चेक करना है। तोड़ के चेक करने के बाद फ्रेंड अगर तोड़ के भी अगर मतलब उसके वायरों को एक एक करके काट के चेक करना है। और फ्रेंड्स अगर जब आपकी जो एलईडी ब्राइट नहीं होती है, मतलब वो एलईडी फ्यूज़ थी, तो हमारी एक एलईडी ब्राइट नहीं हुई 5 की पेयर में से, वो एलईडी फ्यूज़ थी। अब फ्रेंड्स मैं एक एक करके ऐसे ही सारी एलईडियों को चेक कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स ये बहुत ही मस्त चलती हैं, मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है, पहले से भी ये तेज़ जलती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे पता है आप नए ही होंगे क्योंकि हमारा न्यू चैनल है और बहुत कम सब्सक्राइबर हैं हमारे, और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, जुगाड़ लाते रहते हैं। हम हर तरह की वीडियो बनाते हैं, कभी मैजिक की वीडियो बनाते हैं, साइंस की वीडियो हम ज़्यादा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये 5 एलईडीज़ भी, जो ये 5 भी लाइट हैं झालर हैं, वो भी ब्राइट नहीं कर रही हैं। तो फ्रेंड्स इसको भी हम ऐसे ही पेयर में तोड़ लेंगे। पेयर में तोड़ने के बाद फ्रेंड्स इसको हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको पेयर में तोड़ लेते हैं। पेयर में तोड़ने के बाद अभी फ्रेंड्स अभी मैं इनको आप देख सकते हैं हम इसको पेयर में तोड़ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो, हमारा न्यू चैनल फ्रेंड्स आपके मोटिवेशन की हमें बहुत ज़रूरत है। और फ्रेंड्स अगर आपका मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम ऐसी मोटिवेशनल और ये जुगाड़ वाली वीडियो नहीं ला पाएंगे। तो फ्रेंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम देख सकते हैं हम इसके वायरों को एक एक करके चेक कर रहे हैं, एक एक करके वो कर रहे हैं, एक एक करके वायरों को लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम एक एक करके इन वायरों को लगा रहे हैं। फ्रेंड्स आप बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। हमारा न्यू चैनल है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, हमारा न्यू चैनल है। न्यू चैनल पे ही इतनी मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि बहुत से तो हार मान जाते हैं फ्रेंड्स, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बार बार। हाँ थोड़ी वीडियो की क्वालिटी हम अच्छी बना नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा न्यू चैनल है, हमको इतना ज़्यादा पता नहीं है फ्रेंड्स, पर आपको बिल्कुल नॉलेज देने की हम बहुत कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एलईडी भी जल रही है, तो ये एलईडी भी फ्रेंड जल रही है। इसके बाद फ्रेंड्स हम एक एक करके सारी एलईडियों को ऐसे ही चेक करेंगे।
तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं हम इन एलईडियों को भी चेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम एलईडियों को भी चेक कर रहे हैं, फ्रेंड्स हम इन एलईडियों को चेक कर रहे हैं, एलईडी को फ्रेंड्स हम सबको ऐसे ही चेक करेंगे। सारी एलईडियों को चेक करने के बाद फ्रेंड्स जो जो सही एलईडी हैं वो एलईडी हमको लग जाएंगी पता कि कौन सी एलईडी सही है। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए हमारी वीडियो पर, आप वीडियो पर बने रहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप वीडियो पर बने रहिए, आपको पता लग जाएगा। और फ्रेंड्स आपको स्किप नहीं करनी है थोड़ी सी भी वीडियो, फर्स्ट से लेके लास्ट तक वीडियो फ्रेंड्स आपको देखनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एलईडी भी हमारी ब्राइट हो रही है, सारी एलईडीज फ्रेंड्स आपको हमारी ब्राइट हो रही हैं। अभी हम सबको थोड़ा चेक कर करके देख रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी आप बीच में जाइएगा मत कि ये थोड़ा टाइम लगा रहा है फ्रेंड्स मुझे। ये जो हम 13 मिनट की वीडियो बनाते हैं, ये 13.5 मिनट की जो वीडियो बनी है इसमें 13.5 मिनट ही नहीं लगते हैं, एक डेढ़ घंटा लग जाता है फ्रेंड्स वीडियो को बनाने के लिए। आपको हम 13 मिनट की वीडियो देते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको इसको सीरीज़ में इसकी वायरिंग करनी है। तो फ्रेंड मैंने चारों और ये फ्रेंड जो आपका 5-10 रुपये का खर्चा होगा वो होगा इस ब्लैक टेप में, क्योंकि झालर आपके घर में होंगे, ख़राब चार्जर आपके घर में होगा। हाँ तो फ्रेंड्स आपको इसको सीरीज़ में जोड़ना है, जैसे एक 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 वायर से एक वायर, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव आप जोड़ते हैं वैसे ही इसको सीरीज़ में जोड़ना है फ्रेंड्स। फ़िलहाल इसमें सीरीज़ नहीं होता है, फिर भी फ्रेंड्स इसको एक वायर से एक वायर जैसे जोड़ते जाते हैं वैसे जोड़ना है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको सीरीज़ में जोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम टेप की हेल्प से इसको जोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स आपका जो 5-10 रुपये का जो 5 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेप लगेगा इसको जोड़ने के लिए। तो फिर भी फ्रेंड्स आपको लाना तो पूरा ही टेप पड़ेगा, बहुत से यूट्यूबर ऐसे करते हैं कि 5-10 रुपये का खर्चा होगा और कम वो होगा टेप पर, लाना तो उतने ही पैसे का पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे घर पे तो फ्रेंड्स ये 5 रुपये का टेप आता है, आपकी गली में पता नहीं 15 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है, सस्ता भी आ सकता है हमसे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम इस टेप को लगा रहे हैं, इसलिए तो फ्रेंड मैंने कहा था 5-10 रुपये का खर्चा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने ये जो एलईडी हैं ये जो सीरीज़ में जोड़ ली हैं। और फ्रेंड्स ये इसका ये हमारे जो एलईडी हैं ये इनका वायर है। तो फ्रेंड्स अब हम इस वायर को सिंपली सॉकेट में लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको अभी सॉकेट में लगा रहे हैं फ्रेंड्स अब इस वायर को। तो फ्रेंड्स अब हम इसको सॉकेट में लगाने के बाद फ्रेंड्स अब इसके स्विच को ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो हमारी एलईडी हैं ये सिंपली जल जाती हैं। फ्रेंड्स हम दोबारा जलाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो हमारी एलईडी हैं ये सिंपली जल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।